नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 के मैच नंबर 22 में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आमना सामना हो रहा है। इस सीजन दोनों ही टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। ये मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी ऐतिहासिक मैच है। दरअसल दिल्ली की टीम आईपीएल में आज अपना 200वां मुकाबला खेलने मैदान पर उतरी है। दिल्ली कैपिटल्स के इस 200वें मैच में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले मैच में भी खेले थे और 200वें मुकाबले में भी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के इस 200वें मैच में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले साल भी खेले थे और इस वर्ष भी खेल रहे हैं। वो दो खिलाड़ी हैं शिखर धवन और अमित मिश्रा। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने शिखर धवन और अमित मिश्रा की तस्वीर शेयर कर लिखा, दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल में 200वां मैच। ये दो ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो 2008 में और 2021 के अभियान में हमारे साथ थे। गो वेल टीम। बहरहाल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे इस मैच की बात करें तो कैपिटल्स और बैंगलोर के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी आईपीएल के 22वें मैच में ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। विराट कोहली की टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करेगी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में ईशांत शर्मा की वापसी हुई है, वो अश्विन की जगह टीम में आए हैं। वहीं बैंगलोर ने सैनी की जगह रजत पाटीदार को, डैन क्रिस्टियन की जगह डैनियल सैम्स को शामिल किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।